आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर से संचालित नीमच जिले का टॉप लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए आज की विशेष खबरें। ग्वालियर, पढ़ाई के लिए पिता की डांट से नाराज 12वीं के छात्र ने गुस्से में ग्वालियर के किले से छलांग लगा दी। करीब 50 फीट की गहराई में पत्थर पर गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्थर और झाड़ियों में फंसे शव को निकालने में पुलिस को एक घंटा लग गया। घटना बुधवार सुबह बहोड़ापुर स्थित किले की है। छात्र पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसीलिए उसके पिता ने डांटा था। पुलिस जांच कर रही है। बुधवार सुबह यहां टहलने आए कुछ लोगों ने एक छात्र को छलांग लगाते देखा तो तत्काल बहोड़ापुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस बिना देर किए किले पर पहुंची। कूदने वाला किले की दीवार और तल के बीच में करीब 50 फीट की गहराई पर पत्थरों और झाड़ियों के बीच फंसा था। तत्काल पुलिस ने नगर निगम के दमकल दस्ते को सूचना दी। पुलिस और नगर निगम के अमले ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। बचाव टीम छात्र तक पहुंची तो उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की शिनाख्त हजीरा के मेजर कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय छात्र साहिल राठौर के रूप में की गई। जबलपुर जिले में भी 4 वर्दी वाले चोर सामने आए हैं। दरअसल आबकारी विभाग के 2 SI और 2 आरक्षक चोरी करते हुए CCTV में कैद हुए हैं। इन सभी ने आबकारी विभाग के गोरखपुर स्थित कंट्रोल रूम से अलमारी तोड़कर अंग्रेजी शराब की 172 बाटल चुराई थी। वारदात 29 जनवरी की रात की है। हैरानी की बात यह है कि चोरी में शामिल दोनों SI 27 जनवरी को ही निलंबित हो चुके थे। इसकी जानकारी होने पर आबकारी आयुक्त ने 6 फरवरी को दोनों आरक्षकों को भी निलंबित करते हुए FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया। जब यह मामला बढ़ा तो गोरखपुर पुलिस ने मंगलवार रात चोरी के खिलाफ धारा 408 भादवी और 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर जांच में ले लिया। इंदौर भंवरकुआ क्षेत्र के अग्रवाल नगर में मोबाइल कारोबारी के साथ हुई लूट मामले का पुलिस ने बुधवार दोपहर में खुलासा कर दिया। लूट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, कारोबारी का पुराना ड्राइवर ही निकला। उसने अपने एक नाबालिग साथी सहित 5 लोगों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नौकरी से निकाले जाने पर उसने बदला लेने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को हीरानगर क्षेत्र से जबकि इनके अन्य साथियों को सीहोर से पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 9,78,000 रुपए बरामद किए। ये कारोबारी को राह में लूटना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिलने के कारण पीछा करते करते घर तक पहुंच गए। इसके बाद घर के सामने लूटकर वहां से फरार हो गए। लगातार ताजा खबरों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।